So yeah! बाकी का स्टेटस आप लोगों को मिलेगा थोड़ी देर बाद. Bye. शादी में आई हूँ. जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरे कजिन की शादी है, मेरे मासी की बेटे की, और यहाँ से मैं शादी का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ. एक्चुअली हम लोग कल ही आ गए थे और बहुत सारी प्रिपरेशन अभी बैक एंड पे चल रही है. जो छोटी छोटी क्लिपिंग मैं लेकर के डालती जाऊंगी और दूल्हे से और बाकी जितने मेरे कजिन है मैं सबसे आप लोगों को मिलवाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई विल मीट यू लेटर. कुछ इतना इम्पोर्टेंट सा इवेंट नहीं हो रहा है, तो अभी मेहंदी वाली आने वाली है ना, तो मेहंदी शायद से आज लगेगी. अदरवाइज कल हम लोगों का माता पूजन है और माता पूजन के बाद तो मेहंदी है, तो मेहंदी में भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि दैट एवरीवन इज़ वेयरिंग ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर का कुर्ता मैं कल जाकर के लेकर गई हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ भी ग्रीन नहीं था. और इसके नेक्स्ट डे हल्दी है, तो हल्दी में तो सब लोग येल्लो पहनने वाले हैं. और वो बैठा हुआ है दूल्हा. दूल्हा से हाय. हेलो, हाय, हेलो. एंड ये हमारा गीकी के डैगी की कजिन है. ये विक्की के टाइप की पर्सनालिटी है, वो भी वैसे ही है, बट वो अभी शादी हो रही है तो थोड़ा मस्ती में है. बाकी ये भी पढ़ाकू. इट इज कॉल्ड दादा. ये गी की कजिन है मेरे, सब पढ़ाकू टाइप के किताबी कीड़े हैं ये लोग. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज है माता पूजन का दिन एंड हम लोग सब इस तरह से रेडी हो चुके हैं. दिस इज राजपूत ड्रेस और ये मेरे इन लॉज की तरफ से आई थी. ये मैंने अभी परचेस नहीं करी है और बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों से छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी में निकल रहे हैं. तो जो भी फंक्शन होगा वो मैं कैरी करती हूँ और जो सब शूट करूंगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर. हाय गौरव, ये मेरी मौसी. आ जाओ आ जाओ. और ये है मम्मी का ड्रेस. Today I am vlogging from Indore. सब डल रहा है बेटा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, करो तुम. जिसका रिश्ता आएगा उसको सागर का यही वीडियो डालेंगे. बट क्या एक बार पीके देखो सफलता की सीढ़ी ऐसा ही. हाय गाइस, आज है डे डे कौन सा है, वेडिंग डे टू है. हम लोगों के तो बहुत डेज हो चुके हैं तो आज पता नहीं कौन सा डे है. और हम लोग के यहाँ पे आज हल्दी है, मंडप है एंड देन शाम को संगीत है. ये है मम्मी. हम सब लोग येलो पहने हुए हैं. मैं ये वाला ड्रेस, हाँ हल्दी की रस्म है, मैं ये वाला ड्रेस पहनी हुई हूँ. ये मैंने लिया था राखी के लिए और बीबा से मैंने लिया था. ये इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, अगस्त में ही लिया है अभी और डिस्काउंट पे लिया था, मतलब एग्जैक्ट 4 कुछ का था. ये सिल्क का एक्चुअली है,
फोर कुछ का था एंड आई गॉट इट इन वेरी गुड डिस्काउंट. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हमारा होटल बिल्कुल साइड में है और ये गार्डन है, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में गार्डन है और मेरे राइट हैंड साइड में होटल है. तो अभी हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में. बड़ा ही फेक हो रहा है ये सब. ये इन्हें पकड़ा है, किसने पकड़ा? हाय गाइस, तो अभी आज हल्दी का फंक्शन था और अभी संगीत है. तो एक्चुअली आपने वीडियो में क्लिपिंग देखी होगी, आई एम अ गुरु बहन ऑफ कुछ बनता है, हम लोगों में गुरु बहन बनाई जाती है, तो मैं उसकी वो बनी थी. तो जब सब लोगों ने मांग मेरी इस तरह से भर दी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. सो अभी जस्ट मैं फटाफट से संगीत के लिए रेडी हो रही हूँ. एक्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा घर की शादी टाइप का है ना, तो बहुत सारे इधर उधर काम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ. और साथ ही साथ मैं अपने ड्रेसेस बहुत सारे चेंज कर पाई हूँ. इनफैक्ट मैं आज के दिन ही कम से कम 4 ड्रेस पहनने वाली थी, बट मैं सिर्फ दिन भर से हम ये येल्लो ही पहने हुए हैं सब लोग. विक्की भी आ चुका है एंड आज ही जस्ट वो आया है एंड अब हम लोग संगीत के लिए फटाक से रेडी हो रहे हैं. अभी भी फलदान चल रहा है बट हमको भेज दिया गया है क्योंकि फलदान ख़त्म होते से ही संगीत है और मुझे टाइम लगता है तैयार होने में. तो इसलिए मैं आ गई हूँ ताकि संगीत का जो पीछे का बैक एंड मैनेजमेंट है वो मेरे को देखना है, तो ताकि मैं फटाफट से फ्री होकर के जा पाऊँ. तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नीचे डायरेक्टली संगीत वाले. हाय गाइस, तो अभी हम लोगों का संगीत जो है वो ख़त्म हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं सब कुछ खाली हो गया है. और हम लोगों ने इतना डांस किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ. सारी क्लिपिंग्स जो होंगी ना वो वीडियो में या तो मैं अभी बीच में डाल दूँगी या इसके बाद डालूँगी, बट डालूँगी ज़रूर. और अभी कुछ नहीं है, अब कल शादी है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. तो मैं आप लोगों से कल की वीडियो में मिलती हूँ और मैं अपना ड्रेस आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ. और ये जो लहंगा है ये मुझे जिस जहाँ से मैंने बनवाया, एक्चुअली मैंने नहीं बनवाया है ये, बेसिकली मुझे वोगम वालों ने भेजा है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस लहंगा. इसकी डिटेल्स मैं आपको और वीडियो के एंड में दूंगी और सारी डिटेल्स, इनका व्हाट्सएप नंबर, इनकी जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. जिस तरह का लहंगा आप बनवाना चाहते हैं, लहंगा नहीं, आई मीन जो भी ड्रेस आप बनवाना चाहते हैं आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये एज इट इज़ आपको कम रेंज में डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको बना करके देते हैं. और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन बाय.
गाइस, सो टुडे इज वेडिंग डे और हम लोग इस तरह से रेडी हो चुके हैं. राइट नाउ आई एम एट दूल्हा प्लेस, मतलब दूल्हा के रूम में हूँ मैं. और ये है दूल्हे जी. दूल्हे जी हाय कर दीजिए. हाय. और वो है दूसरा पुराना दूल्हा. तो अभी जस्ट बारात निकलने वाली है. मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ और वही बेसिक मेकअप जो मैं हमेशा करती हूँ वही मैंने मेकअप किया हुआ है. लहंगे की डिटेल्स मैं आपको एंड में दूंगी. और अभी एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं और बारात निकलने वाली है. तो थोड़ा होता है ना ऐसे शादी वाले घर में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो वो चल रहा है. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन बाय गाइस. लुक एट दिस. ये है इंच 5. वाओ, व्हाट अ ब्रांड. हाय गाइस. और हम लोगों का जो रिसेप्शन वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा फेरे का टाइम स्टार्ट होने वाला है. और हम जितने भी कजिन्स लोग हैं, सब भाई बहन हैं, वो लोग जूते जो लड़की वाले जूते छुपाने वाले हैं उसको बचाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक बार हम सक्सेसफुल हो चुके हैं. और ये हमारा जो सेकेंड नंबर का दूल्हा है, जो इसकी शादी होने वाली है अभी नेक्स्ट नवम्बर में, ये वाला पहन करके, दूल्हे के जूते पहन करके. और आप देख सकते हैं साफे वाफे सब पड़े हुए हैं, शादी वाला घर. तो अभी हम लोग बस वही सब करने के लिए जा रहे हैं. सो ये अगली आवाज आप सुन रहे हैं वो है अमन जोशी की. अमन बात ये थी अमन इतना मत पकाओ तुम. जल्दी जल्दी बता. बात ये थी कि सत्यम भी आए, उन्होंने जूते उतारे, पीछे से दौड़ते हुए रुचि दीदी और जीजा जी. तब तक जूते चुरा लिए थे लड़के वालों ने, लेकिन कब्जा करने के पहले रुचि दीदी और जीजा जी ने उनके हाथों पे झपट्टा मार दिया था और रुचि दीदी हिंसक हो गई. अभी 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 तक हिंसक नहीं हुई थी, पर रुचि दीदी ने अच्छे से बोला जूते दे दीजिए. फिर भी वो नहीं माने. फिर भी नहीं माने. फिर जब रुचि ने अपने बड़े नाखून दिखाए, रुचि जी ने उनकी एक उंगली उठाई तोड़ दी. फिर भी नहीं माने. दूसरी उंगली उठाई तो नोच दिया और उन्होंने डर के मारे जूते छोड़ दिए. अभी हमारे पास है इन शॉर्ट. दिखाते हैं आपको जूते. दिखाते हैं जूते. दिखाते हैं जूते. दिखाते हैं ये. हाँ, एक और जूते. पैसे ले लो.
दे दो ले लो जो भी है। चलो चलो बाकी का स्टेटस आप लोगों को मिलेगा थोड़ी देर बाद। बाय। Hey guys, so that's it for my video. मैं properly end नहीं कर पाई, as you all know शादी था और कब क्या हुआ उसके बाद हम इतना थक चुके थे कि दो तीन दिन तक मैंने कैमरा हाथ में नहीं उठाया है। And that's it for my video. I hope you liked it. और मैं यहाँ पर कुछ pictures डाल रही हूँ जो हम लोगों ने क्लिक करवाई थी, क्योंकि आई थिंक वीडियो में ज़्यादा क्लियरली ड्रेसेस वगैरह नहीं आई हैं। तो जो येलो वाला ड्रेस है वो मेरा संगीत का ड्रेस था, ये रेड वाला जो ड्रेस है ये मेरा माता पूजन का ड्रेस था, एंड उसके बाद येलो जो ड्रेस हम लोगों ने पहना हुआ है वो नेक्स्ट डे हल्दी का था। आई थिंक मेरी माँ और मासी को आप सब पहचान गए होंगे, ये सब मेरे कजिन्स हैं, एंड ये हल्दी वाला पिक्चर है हमारा। एंड देन ये मेरा मेन शादी का इवेंट है, तो ये जो लहंगा है ये मैंने कस्टमाइज करवाया है, स्टिच करवाया है फैब्रिक लेकर के। ये फैब्रिक मैं बहुत पहले ले चुकी थी फ्रॉम मंगलदास मार्केट मुंबई से, मैंने लिया था 1.5 साल पहले, और स्टिच लेकिन ये मैंने अभी करवाया है। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।